झेलम नदी को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए नगर समिति अवंतीपोरा ने आज झेलम नदी के तट पर एक मेगा ड्राइव का शुभारंभ किया, जिसके तहत झेलम नदी के तट से न केवल मातम को हटाया गया है बल्कि इसमें गंदगी और कचरे को भी हटाया गया है। साथ ही बैंकों को हटा दिया गया है और विस्थापित कर दिया गया है। इस अभियान में नगर समिति के अधिकारियों के अलावा कर्मचारियों के एक दल ने भी भाग लिया। उन्होंने लोगों से झेलम नदी के पानी को साफ और स्वच्छ रखने के लिए झेलम नदी को सुंदर और आकर्षक बनाने की अहम भूमिका निभाने के लिए अपील की। पूरी खबर देखें विस्तार से एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता मलिक निसार की यह रिपोर्ट। अवंतीपोरा इससे पहले भी दरिया जहलिम पर जब इनके किनारों पर बंग उभर आई है या किसी और जगह पर रोडों पर या अफसों में बंग उभर आई है तो हमने उस वक्त अपने मशीनरी और मैन एंड मशीनरी लेके हमने वो उसको कटिंग की। पिछले चार दिन से हम दरिया जहलिम अवंतीपोरा को जो भंग उभर आई है जिस वजह से जो दरिया जहलिम की खूबसूरती ये डिशेप हुआ है, इसकी खूबसूरती इजहार ही नहीं हो रहा है कि हमने वो एंटी पॉलिथिन ड्राइव की है। नाली नदियों में वाटर बॉडी में जितने भी प्लास्टिक्स हैं, चाहे मोमजाम के शक्ल में है चाहे बोतल के शक्ल में, वो हमने कई जहाँ जहाँ ज़्यादा लगा हमने वो क्लियर किया। वो इस मुहिम के साथ साथ हम वो मुहिम भी कंटिन्यू रखेंगे और हमारा यही मकसद है। म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपोरा का यही मकसद है, जो ये एक शहर छोटा शहर है, म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपोरा का शहर ये खूबसूरत रहना चाहिए, चाहे यहाँ के गली कोचे, यहाँ के वाटर बॉडीज या हमारा जो अनमोल नियामत है दरिया जहलिम, ये अनमोल नियामत है। इसी पानी पर हम सब कुछ करते हैं। लोगों से भी ये तवक्का चाहते हैं यहाँ की सिविल सोसाइटी की, जहाँ जहाँ भी लोग इन किनारों पर हैं उनसे यही मोहतबाना अपील है आपके माध्यम से इसको साफ रखें। शेरबाग इस्लामाबाद ज़ेर इशराफ जमीयत अहले हदीस तहसील इस्लामाबाद, जहाँ दाखिला शुरू हो चुका है, यहाँ पर अरबी जुबान के अलावा उलूमुल कुरान, उलूमुल हदीस, उलूमुल फिक्र, अकीदा, सीरत नबविया और तरबियत इस्लामिया पढ़ाए जाते हैं। याद रहे, दर्स तदरीस के लिए जामे इस्लामिया मदीना से फारिग असातिज़ा की खिदमात मयस्सर हैं। क्लासेस सिर्फ इतवार को लिए जाते हैं। ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात आज ही से दफ्तर हाजा से फॉर्म हासिल कर सकते हैं या इन फोन नंबर पर राबिता करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं।